रायबरेली में योगी सरकार में अब अपराधियों की खैर नहीं, शासन की मंशा के अनुरूप डीजी लखनऊ विजय कुमार के निर्देशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन दृष्टि के तहत अपराध करके अब अपराधियों के लिए भागना होगा नामुमकिन। ऑपरेशन दृष्टि अभियान के नोडल अधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में अस्पताल, कॉलेज, बैंक्वेट हॉल, प्रमुख मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व जनपद के सभी बॉर्डर सहित संवेदनशील स्थानों को ऑपरेशन दृष्टि के तहत सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। अब तक पूरे जिले में 692 स्थानों पर 1417 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 310 नई जगहों को भी चिन्हित करके सीसीटीवी लगाने का काम शुरू हो चुका है। देखें, वो माननीय डीजी साहब के निर्देशानुसार ऑपरेशन दृष्टि का अभियान चलाया जा रहा और ये दिनांक 10/7 से शुरू किया गया है। 10/7 से पहले हम लोगों के पास पूरे जनपद में 692 स्थानों पर कैमरा लगाया गया था और लगभग 1462 कैमरे वहाँ स्थापित हुए थे उन स्थानों पर। उसके बाद हम लोगों ने चिन्हित किया है 310 प्लेस, जिसमें हमारे लग चुके हैं 234 स्थानों पर 508 कैमरा लग चुके हैं, 76 शेष हैं, इनको जल्दी हम लगवाएंगे। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में हम लोगों ने जो अन्य नए स्थान चुने हुए हैं उसमें जैसे मंदिर है, मस्जिद है, मोबाइल टावर है, हमारे वित्तीय संस्थान है, ग्राहक सेवा केंद्र है, पार्क हैं, होटल हैं, ढाबे, रेस्टोरेंट, इन सभी जगहों पर हम लोग कैमरा लगाएंगे और कैमरे की दिशा ऐसी होगी कि वो रोड का मैक्सिमम पार्ट कवर करते रहें, जिससे कोई घटना हो या एक्सीडेंट हो तो उसको कवर किया जा सके। इसी के साथ साथ हम लोग जितना सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको भी कवर कर रहे हैं। हमारे अपने बॉर्डर का जितना पॉइंट है वो भी कैमरे से कवर हो रहा है और इसी अभियान के तहत हम लोग अपने थानों पे भी कैमरे लगवा रहे हैं, जिससे कि हर चीज़ कैमरे में कवर होता रहे और कोई ज़रूरत पड़े तो हम अपना साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर सकें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नज़र हर खबर पर।